बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। जी हां, चंदन जिसका प्रयोग हम आम तौर पर पूजा उपासना में करते हैं, ये चंदन जिंदगी में कितने फायदे पहुंचा सकता है और बहुत सारी चीजों को दुरुस्त कैसे कर सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर सूर्य की वजह से आपको हृदय रोग हो गया हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हो, तो रोज सवेरे ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइए तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चंदन है क्या और चंदन को इतना मूल्यवान क्यों समझते हैं। देखिए, चंदन एक खास तरह की खुशबू वाली सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश भी बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का प्रयोग मूर्तिकला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन, दोनों का ही खूब प्रयोग किया जाता है। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। श्री हरि और उनके अवतारों के लिए सफेद चंदन का लेपन यानी सफेद चंदन लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि देवी की उपासना में, मां दुर्गा की उपासना में लाल चंदन का प्रयोग ज्यादा होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा भी बताई गई है और ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक प्रयोग क्या है। देखिए, चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां, तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। चंदन के पाउडर को, इसके चूर्ण को विशेष तरह के पदार्थों में मिला करके उम्र बढ़ाने वाली औषधियां भी बनाई जाती हैं। हृदय रोग, त्वचा के रोग और मानसिक रोगों में चंदन के तेलों का खूब प्रयोग होता है। सुगंध चिकित्सा और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब ये जानते हैं कि तिलक लगाने में चंदन का प्रयोग कैसे करेंगे। चंदन की लकड़ी को पत्थर पर रगड़ रगड़ करके घिस लीजिए। पहले अपने इष्ट देव को, ईश्वर को अनामिका अंगुली से तिलक लगाइए और फिर अपने आप को मस्तक पे, कंठ पे और नाभि पर तिलक लगाइए। देवी की उपासना में लाल चंदन का और बाकी लोगों की उपासना में सफेद चंदन का प्रयोग करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब जानते हैं मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक बीमारियों से रक्षा करने के लिए चंदन का प्रयोग कैसे करेंगे। चंदन का शुद्ध और असली इत्र ले लें। रोज प्रातः स्नान के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाएं इत्र और हृदय के बीचों बीच भी लगाएं। रोज पूजा के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं। आपका मन एकाग्र होगा और मानसिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। अब अंत में जान लेते हैं कि अगर राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो चंदन के प्रयोग से कैसे राहु केतु को शांत करें। चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसे नीले कपड़े में रख करके लॉकेट की तरह बना लें
और शनिवार की शाम को इसे लाल धागे में या नीले धागे में गले में धारण कर लें, राहु केतु की समस्या में सुधार होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बच्चे सोते समय डरते हों या चौंक करके उठ जाते हों, क्या करना चाहिए? लाल चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा ले आएं, इसे अपने बच्चे के सिरहाने रख दें और इस लकड़ी को हर 6 महीने पर बदलते रहें। बच्चे की समस्या, बच्चे का डर निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।